वेलकम दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग अपने वीडियो पे किस तरीके से आई बटन लगा सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आई बटन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग कोई टॉपिक के बारे में अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं और अचानक में हमें कोई एक और उसी के रिलेटेड एक और टॉपिक का आइडिया आ गया और हम लोगों ने ऑलरेडी उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हम लोग ऊपर की ओर इशारा करके बोल सकते हैं कि आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा इसका पार्ट वन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ कि आई बटन किस तरीके से लगाया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों, हमें हमारे चैनल पे जाना होता है। जैसे कि मैं मेरे चैनल के लोगो पे गया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने YouTube स्टूडियो आ जाता है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप YouTube स्टूडियो पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों ये आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके वीडियोज़ में जाना होता है। अगर यहाँ पर वीडियोज़ है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके जितने भी वीडियोज़ आपके YouTube चैनल पे पहले से हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जिस वीडियो पे आपको आई बटन लगाना होता है, आपको वो वीडियो सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे आपका माउस, तो यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि मेरी ये वीडियो है, ये वीडियो, इसके ऊपर मैंने आई बटन नहीं लगाया हुआ है अभी। तो फिलहाल मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा नीचे आता हूँ जब दोस्तों, तो अगर आप लोगों का यहाँ पर अगर ऑडियंस में अगर आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट है, तो आप लोगों को पहले इसे डीसेलेक्ट करना होगा। अगर आप इट्स मेड फॉर द किड्स पे अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, तो उसे हटा करके आप नो इट्स नॉट मेड फॉर द किड्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका ये आई बटन का ऑप्शन ओपन हो जाता है दोस्तों। तो मैं आई बटन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का एक इंटरफेस खुल के मेरे सामने आ गया है फिलहाल। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर आई बटन लगाना होता है। जैसे कि अगर मैंने कौन से समय पे मैंने बोला है कि आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप लोगों को वो समय पहले तो पता करना होता है और वहाँ पर आपको ये स्क्रॉल करके लाना होता है। तो जहाँ कहीं भी आपने स्क्रॉल करके यहाँ लाया है और जहाँ पर भी ये स्टॉप हुआ है, उसका समय यहाँ पर दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर ये यहाँ पर आ गया है, तो उसके बाद आप लोगों को अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट अगर पूरा डालना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डाल सकते हैं, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप और कोई दूसरा लिंक डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इधर पे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक किस तरीके से डालते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो पे क्लिक किया, तो आपके सामने ये जितने भी आपके यूट्यूब के वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आपके आई बटन में डालना है। तो जैसे कि मैंने अगर ये वीडियो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो यहाँ पर आ गया है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक देखिए दोस्तों, ये 29 सेकंड्स पे मेरा एक वीडियो ये यहाँ पर प्ले होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं और भी कुछ टेक्स्ट या कस्टम मैसेज भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको और बाकी का दिखा, अगर आप एक ही वीडियो में दो तीन लिंक और भी डालना चाहते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों इधर पे जैसे कि ये आ गया है, यहाँ पर आपको टाइम दिखाएगा, एक मिनट दो सेकंड पे ये आकर के यहाँ पर रुका हुआ है। तो आप यहाँ से कार्ड पे क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या डालना है। यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मेरा दूसरा वीडियो भी इधर पर आकर के सेलेक्ट हो गया है दोस्तों। तो मेरा जो दूसरा वीडियो का जो आई बटन है वो 1:02 पे प्ले हो जाएगा। मीन्स वो आपके इस तरीके से कुछ सामने खुल के आ जाएगा और हमारे व्यूवर्स हमारे आई बटन को देख सकते हैं। अगर वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उन्हें कुछ इस तरीके का मेरा ये पहला वाला जो वीडियो आई बटन मैंने लगाया था वो यहाँ पर आ गया है दोस्तों, और मेरा दूसरा वाला आई बटन जो मैंने लगाया था वो यहाँ पर आ गया है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पर मल्टीपल आई बटन्स लगा सकते हैं और आई बटन्स लगाने में कोई किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, और अगर आप किसी तरीके का मैसेज या थैंक्स भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये जो दूसरा वाला लगाया है उधर पर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, एज लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का अगर मैं मैसेज डाल देता हूँ दोस्तों, तो ये यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सेव करना होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव किया, तो दोस्तों जब मेरा दूसरा आई बटन ओपन होगा तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा लाइक एंड सब्सक्राइब का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ फिलहाल कि किस तरीके से मेरा आई बटन चल रहा है। तो दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर आ गया हूँ फिलहाल,
आपको आपके चैनल पे आने के लिए आपके योर चैनल्स पे क्लिक करना होता है दोस्तों। तो आप जब आपके चैनल पे आ जाते हैं तो आप लोगों को आपके जिस वीडियो पे आप लोगों ने आई बटन लगाया था दोस्तों उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है दोस्तों। तो मैंने फिलहाल इस वीडियो पे आई बटन लगाया हुआ है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा वीडियो चलना शुरू। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपने वीडियो पे आई बटन लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। बाय।